बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस का एडजॉइंट हम किस तरह लेंगे। तो ये भी लीनियर अलजबरा में जो है ना, हम इसको एडजुगेट ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। और सिमिलरली जिस तरह हमने डिटरमिनेंट में कहा था कि हम डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ले सकते हैं सिर्फ, तो यहाँ पर भी हम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो है एडजॉइंट लेंगे। यानी कि वो हमारे पास 2x2 भी हो सकता है, ठीक है, 3x3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। मींस ऑर्डर हमारे पास आई एंड जे सेम टू सेम यहाँ पे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका हमने डिटरमिनेंट इस तरह लिया था, सही है ना। अब हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, A11, A12, A21, A2। इसका हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। तो इसके एडजॉइंट हम किस तरह लेंगे, हम लिखेंगे ए डी जे ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लें तो हमारे पास इस तरह आएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये शॉर्टकट मेथड है। जो दूसरा मेथड हमारे पास है वो है कोफैक्टर के ज़रिए जो है ना, हम क्या करते हैं कि इसका ले लेंगे, लेते हैं हम एडजॉइंट। कोफैक्टर के बारे में हम जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि 3x3 एंड 4x4 मैट्रिक्स हमारे पास हैं, तो मोस्टली हम 3x3 मैट्रिक्स का जो है वो डिटरमिनेंट भी लेंगे और उसका जो है ना फिर एडजॉइंट भी लेंगे। तो हमारे पास जो फिर वहाँ पे इजी हो जाएगा कि हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये हमारे पास इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। A22 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और A11 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये दो वैल्यू जो हमारे पास हैं, ये दो वैल्यू जो हमारे पास हैं, इनके क्या होंगे, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये अपनी जगह पे ही होंगे। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, उसकी वैल्यू से हमारे पास 1, 2, -3 एंड 4, ठीक है। हम इसका क्या लेते हैं, एडजॉइंट लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, ये 1 और 4 जो है आपस में जगह चेंज कर लेंगे, साइंस इनके वही रहेंगे, साइंस सिर्फ इनके चेंज होंगे। ये 2 है, +2 है तो -2 हो जाएगा, अगर ये -3 है तो +3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, 1, 1, 0, 0, इसका हम कह देते हैं एडजॉइंट ऑफ आई लेते हैं, 1, 1, 0, 0, इसके एडजॉइंट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1, 1 सेम टू सेम आपस में जगह चेंज कर लेंगे, और ये 0, 0 इनके साइन चेंज हो जाएंगे। लेकिन 0 के तो साइन होते नहीं है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, न्यूट्रल एलिमेंट है ये, ठीक है, न्यूट्रल नंबर हमारे पास, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। ऐसा ना हो कि आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइलेंट है तो हम इसको क्या करें, यहाँ पे नेगेटिव लिख लेंगे, नहीं, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, 2x2 मैट्रिक्स का हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस था। थैंक यू।